नौजवान घर ना जा रहा होता तो मरियम नवाज को नैब बुलाने की जरूरत ना पड़ती। बिलावल से मेरा एक अच्छा ताल्लुक है और मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ। मैं रवादारी की सियासत और ताल्लुकात को निभाना जानती हूँ। इख्तलाफ नहीं, अपनी अपनी हिकमत अमली है। मरियम नवाज कहती हैं बिलावल भुट्टो से अच्छे ताल्लुकात हैं, कुछ मुश्तरका गोल्स की वजह से पीडीएम में इकट्ठे हैं। 26 मार्च को दो केसेस में नैब तलबी पर गिरफ्तारी का खदशा पेश नज़र लाहौर हाई कोर्ट जमानत लेने आई थी। अदालत ने 12 अप्रैल तक हिफाजती जमानत दे दी। तो वो हिफाजती जमानत कराएं और लोगों को कहे कि आप अदालत पे आओ। जेन्युइन सियासतदान होता है वो आवाम की ढाल होता है, आवाम को ढाल नहीं बनाता। खुद जमानत ले ली और कारकुनों को पहुंचने का कह दिया। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं हमारी भी तैयारी है। नैब की सिक्योरिटी दरख्वास्त मंजूर कर ली, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्यूटी पुलिस अंजाम देगी, रेंजर्स भी तैनात होंगे। शेख रशीद ने चोट लगाते हुए कहा अपने ही घर में ताकत दिखाने शौक से आए, लॉन्ग मार्च की रिहर्सल हो जाएगी। अपनी शो ऑफ पावर इमरान खान को नहीं दिखा रहे, ये पीपल्स पार्टी को दिखाना चाह रहे हैं और ये जो मर्जी कर ले पीपल्स पार्टी वस्ती से नहीं देगी। करना इन्होंने लॉन्ग मार्च ही है जिसकी रिहर्सल 26 को करके देखी। पीएम तो टेंट है, फिश हो चुकी है। ये फैसला किया गया है कि 11 अप्रैल तक इन सिलेक्टेड अजला में मजीद तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे। पंजाब के मुंतखब 10 अजला इस्लामाबाद और पख्तूनख्वा के 9 अजला में तमाम तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। NCOC में वज़राए तालीम का मुतफ़िक़ा फैसला। शफकत महमूद कहते हैं तमाम इम्तिहानात वक्त पर होंगे। सईद गनी ने कहा सिंध में तालीमी इदारे शेड्यूल के मुताबिक चलेंगे। बरतानवी जनरल सर पैट्रिक निकोलस का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज बरतानिया से दोस्ताना ताल्लुकात की बहुत कदर करती है। बरतानवी जनरल ने पाक फौज के खत्ते में अमन की कोशिशों की तारीफ की। कराची के NA 249 का जिम्नी इंतखाब, MQM हाफिज मुरसलिन को मैदान में उतारेगी। राबता कमेटी टिकट ने दे दिया, उसी हलके से सरबरा PSP मुस्तफा कमाल भी उम्मीदवार हैं। और लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबला, दो डाकू हलाक, SHO समेत 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान वारदात कर रहे थे, पुलिस पहुंची तो बचने के लिए घर में घुस गए और फायरिंग कर दी, खातून और बच्चा भी जख्मी हुए।